हेलो फ्रेंड दोस्तों, मैं हूं मनीष मौर्य और इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि ऑफलाइन वर्क एंड ऑनलाइन वर्क में दोनों में से कौन सा बेस्ट है। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने ऑफलाइन वर्क को स्टॉप करके ऑनलाइन में लग जाते हैं एंड ऑनलाइन को अपना करियर समझ लेते हैं, तो क्या उनका निर्णय ये सही है करना चाहिए या क्या हमें दोनों को साथ में करना चाहिए, सारा आपको इस वीडियो में आने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है एंड बहुत सारा अपडेट भी आप लोग को ऑनलाइन की दुनिया से मिलेगा कि आप लोग को करियर कैसे बनना है ऑनलाइन में एंड ऑफलाइन में, दोनों में से कौन सा बेस्ट है। आपने तो टाइटल एंड थंबनेल देखा ही होगा कि मेरा इसमें बोलने का मतलब है। और साथ में एक और हम इसमें कवर करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो मैंने एक कल वीडियो अपलोड किया था कि अगर आप किसी ऑनलाइन एड बेस्ड एमएलएम प्लान ऐप में वर्क कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी है, उसको भी मैं यहाँ पर आप लोग को सॉल्व करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। अगर आप लाइक भी करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद है, जिसको जैसे आपने डिसलाइक किया तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। अगर आप कॉमेंट नहीं करते बस डिसलाइक करके चले जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको हेट है, मतलब आप जो है एक ऐसे इंसान है जो खुद कुछ कर नहीं सकते, बस दूसरों को टांग खींचना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप प्लीज मत कीजिएगा। अगर आप डिसलाइक कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने को क्या नहीं पसंद आया, मैंने क्या मिस्टेक किया कि आपने डिसलाइक किया, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार सकूँ। तो ये तो हो गई बात की बात, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों इस वीडियो को फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अब लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को और भी ऑनलाइन अर्निंग के टिप्स भी बताने वाला हूँ जो आपके लिए बेटर है, जो आप उसमें सक्सेस हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले वीडियो के कमेंट को हम कुछ देख लेते हैं, थोड़ी सी ही टाइम लगेगा, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ जो पिछला वीडियो था। तो दोस्तों इसमें मैंने बहुत सारे लोगों का, दो यहाँ पे आप लोग मुझे थैंक्स बोले हैं, अवेशम बोले हैं, तो उनको तो मैं तह दिल से बोलना चाहूँगा कि आपकी एक ही कॉमेंट मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का जो सवाल है कि एक है निर्मल महाबलेश सर का कि कोई ऑनलाइन के तरीके बताइए, तो टेंशन ना लीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मैं इस चैनल का जो है वीडियो अपलोड ऑनलाइन अर्निंग्स रिलेटेड ऑनलाइन की दुनिया से करता हूं, लेकिन मैं बहुत जल्द चेंज करने वाला हूं। ठीक है, मैं वो करने जा रहा हूं इस चैनल पे जो मेरे को आती है, जो मेरे को अच्छा लगता है। आप लोग को भी वो चीज़ें पसंद आएगी। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अपना वर्क ऑनलाइन की दुनिया में सारा आप लोग को डिटेल कंप्लीट करके करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर और भी एक लोग का क्वेश्चन था कि चैमकिस पर कोई लाइफ नहीं है, तो सर आप इस वीडियो को बस देखते रहिए या और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अदर वर्क कर रहे हो और सोचते हैं उसमें लाइफ नहीं है, तो इस वीडियो को देखिए, इसका आंसर मैं इसी वीडियो में दूंगा। और भी है भाई, चैमकिस पैसा दे रहा है या नहीं, तो मैं बता दूँ कि हाँ चैमकिस पैसा दे रहा है, अभी भी दे रहा है। चैमकिस को आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और किस मेथड से आपको करना चाहिए, वो पिछला वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद एक लोग का क्वेश्चन था कितना फेक वीडियो बनाओ, इस पे आया था इनका कमेंट, तो मैंने बोला कि आप प्लीज़ सर आप मुझे बताओ कि आप क्या फेक लगा ताकि मैं उसको डिफाइन कर सकूँ। तो इनका कहना था हमारी मेहनत बेकार चली गई और एसन का क्या हुआ एंड सुपर केस का क्या हुआ। तो सर मैं आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि ऐसे बहुत सारे एमडी हैं जो नेक्स्ट पेज पे क्रिएट करके एड लगाते हैं, जैसे एसन ने किया था, लेकिन एडवर्टाइजर पकड़ ही लेता है। ठीक है, और राजनीतिकल वो ब्लॉक हो जाता है उसकी आईडी, तो ये हुआ एसन के साथ। ओके, और सुपर केस का भी साथ मैंने वीडियो में बता दिया था, पिछला वीडियो आप ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, पैसे की तो जिसने भी पैसे आपका कंपनी नहीं दे पाया है उसका भी लॉस हुआ, ऐसा नहीं है कि आप ही का लॉस हुआ है। ओके, तो इसे एडजस्ट कीजिए, कुछ ना कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। अब दोस्तों इस वीडियो का जो मेन मोटिव है, ऑफलाइन वीएस ऑनलाइन दोनों में से कौन सा बेटर, हमें क्या करना चाहिए, अब मैं इस पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन ज़्यादा लंबी नहीं होगी, प्लीज़ आप इसे लास्ट तक देखिएगा और अपना कॉमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर अपना विचार बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर सकूं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई भी बंदा ऑफलाइन जॉब कर रहा है, स्टडी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो आप उसे कंटिन्यू रखिए, आप उसे छोड़ करके ऑनलाइन की दुनिया में नहीं आइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ऑनलाइन इनकम करने अफिलिएट प्रोग्राम है एंड प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट एमएलएम प्लान है जो सही होते हैं, लेकिन उसको फ्रीडम की तरह हो तब बेटर है। इस पर भी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ।
जी मैं बताता हूँ, चैंपियंस ने जो भी अब तक किया बहुत ही बेटर किया, हम इसे गलत नहीं कर सकते। और चैंपियंस को ये अच्छी चीज़ से पता हो गया था कि अब एड नेटवर्क से, एड बेस प्लान से, जो मैं वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ, चैंपियंस को भी ये चीज़ें समझ में आ चुका था कि इससे अर्निंग नहीं हो सकता। इसलिए उसने यूजर के साथ खिलवाड़ ना करते हुए उसने द मन्नू लॉन्च किया प्रोडक्ट। लेकिन उसमें एक छोटी सी कमी है, मैं बताता हूँ क्या, उसको भी मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं ये बता रहा हूँ एक टॉपिक पे, एक एप्लीकेशन को लेकर के, लेकिन ये सारे आपको एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है, चाहे आप अदर प्रोडक्ट बेस्ड प्लान कर रहे हो भी कर रहे हो, ठीक है, सब पे अप्लाई होगा। तो फर्स्टली मैं आप लोग को बता दूँ कि कंटिन्यू यहाँ पे मैं अगर बोल रहा हूँ, थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं लिखता नहीं हूँ कि मुझे क्या बोलना है, जो माइंड में आता है मैं बोलते जाता हूँ। मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरे को क्या बोलना है, लेकिन पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अपनी बात समझा सकूँ। तो मैं बात कर रहा था कि प्रोडक्ट बेस्ड एमएलएम प्लान। तो दोस्तों देखिए, चैंपियंस ने राइट डिसीजन लिया क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें पता हो चुकी थी, ठीक है। अब आ जाते हैं जो उसने द मन्नू लॉन्च किया, तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों के क्या निगेटिव कमेंट आया कि द मन्नू बेकार है, ये है वो है, अब पैसा ले रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। हाँ, आपकी नज़र में बेकार है, लेकिन उसने जो डिसीज़न लिया है वो राइट है, लेकिन डिसीज़न का जो तरीका लोगों को दे दिया वो बेकार है। क्यों, मैं बताता हूँ। ये बताने के बाद मैं आप लोगों को कुछ और भी बातें मैं बताऊँगा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंस होने वाली है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों देखिए, द मन्नू क्या है, द मन्नू फ्रीडम नहीं है, मतलब कि प्रोडक्ट बेस हमें वो प्लान करना चाहिए जो फ्रीडम होता है, ये नॉन फ्रीडम है, फ्रीडम नहीं है, एक बंधक के रूप में है। फ्रीडम क्या होता है, देखिए ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड प्लान जिसको हम जब चाहे जब उस पर ख़रीदारी करें और हमें बेनिफिट हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं फ्रीडम प्रोडक्ट बेस्ड प्लान, चाहे वो एमएलएम हो या विदाउट एमएलएम हो, फ्रीडम वाला मस्त होता है। फ्रीडम में क्या आते हैं, फ्रीडम में मेसो आता है, फ्रीडम में अमेज़ॉन आता है, ठीक है। अमेज़ॉन का जो अफिलिएट प्रोग्राम होता है, जबकि आप यूट्यूब पर सर्च करोगे अफिलिएट प्रोग्राम तो उसमें समझ में आ जाएगा, आप कुछ भी शॉपिंग करोगे आपको नहीं देगा कि आप इतने का शॉपिंग करोगे तो हमारे लिए एक्टिव यूजर बन जाओगे, तब हम आपको इसका कमीशन देंगे, तब इसमें आप अर्निंग कर पाओगे, नहीं। उसका ये है मोटिव कि आप जब भी शॉपिंग करोगे तो एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू कीजिए या करवाइए लोगों से, आपको उस पर कमीशन मिलेगा, जितनी खरीदारी होगी इतने परसेंट से लेकर के इतने परसेंट तक हर एक प्रोडक्ट पर अलग अलग कमीशन मिलता है, ठीक है। तो ये होती है फ्रीडम चीज़। लेकिन द मन्नू क्या करता है कि आपको फ्रीडम नहीं देता है, आपको एक टारगेट दे देता है, देता है, लिमिट नहीं बोलूंगा, टारगेट दे देता है कि आप इतने का खरीदारी करोगे, पेड करोगे तो आप एक्टिव होगे, तभी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं, अगर द मन्नू का सारे प्रोसेस सही है, बस इसमें ये हो जाए ना कि आपको फ्रीडम दे दिया जाए कि भाई इसमें से आप कभी भी शॉपिंग करो, या आपके आईडी से कोई कभी भी कितने का भी शॉपिंग करता है, कोई लिमिट नहीं कि आप इतने का शॉपिंग करोगे तभी एक्टिव यूजर होगे। आप 2 रुपया भी करते हो, 3 रुपया का करते हो, एक्टिव इनएक्टिव तो छोड़ ही दो, अगर ये हट जाए, सिर्फ इसमें ये हो जाए कि जो हम अलग से शॉपिंग करते हैं हमें कुछ नहीं मिलता है, अगर द मन्नू से करें तो हमें उस पर कुछ कमीशन मिलेगा, और यहाँ तक कि हमारे डाउनलाइन में भी कोई कुछ करता है तो उस पर हमें कमीशन आता है। ये फ्रीडम की तरह हो तो द हीट हो जाएगा, द मन्नू हीट होने में टाइम नहीं लगेगा। और सेकेंड कि द मन्नू उनके लिए भी बेकार साबित होता है जो डिपेंड हो जाते हैं, पूरा फुल्ली डिपेंड हो जाते हैं। नहीं, ये ऑफलाइन ऑनलाइन चीज़ों को आपको फुल्ली डिपेंड नहीं होना है, पार्ट टाइम की तरह कीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो आपको बात पूरी क्लियर समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से बेस्ट क्या है, कैसे हमें करना चाहिए। तो आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखिए, टेक्निकल गुरुजी अमित बड़ाना, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल सागर, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों करते हैं। टेक्निकल गुरुजी का आप लोग देख लीजिए, इनका कहना एंड इनका मोटिव यही है, उनके बेस पर ही मैं बताना चाहूँगा, ठीक। ऑफलाइन कर रहे हो उसे छोड़ो मत, आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन राइट डिसीजन में करो। मान लो कि एक चॉइस कर लो, या तो आप ब्लॉगर करो, या ब्लॉगर क्या होता है, एक वेबसाइट की तरह होता है, गूगल का ही प्रोडक्ट है, या यूट्यूब करो, या ऐसा कोई भी प्लान करते हो तो साथ में ऑफलाइन भी वर्क करो, ठीक है। अब जो आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो उसको भी कंटिन्यू रखो, उसको भी कंटिन्यू करो, दोनों को कंटिन्यू रखो। जब एक ऐसा समय आ जाए कि ऑनलाइन में अगर ऑफलाइन से ज़्यादा इनकम होने लगे, आपको पूरा ट्रस्ट बन जाए, ठीक है, तब आप चाहो तो ऑफलाइन वाले को छोड़ करके ऑनलाइन में फुल फोकस दे सकते हो, नहीं तो अगर आप दोनों का हैंडल कर सकते हो तो कीजिए। वैसे भी ऑनलाइन में कोई लिमिट, टारगेट, टाइम नहीं होता है, तो आप चाहो तो दोनों का हैंडल कर सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन बेस्ट है, ऑनलाइन भी बेस्ट है, ठीक है,
दोनों बेस्ट है। बस ये है कि आपका फोकस कहाँ पे अच्छे से है, आप कहाँ अच्छा सा वर्क कर पाते हो, लेकिन राइट डिसीजन पे, राइट जगह। ये नहीं कि किसी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में समझाया, किसी एप्लीकेशन एड बेस्ड एप्लीकेशन पे उस पर वर्क करने लगो अचानक से वो बंद हो जाए तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैंने वो वीडियो बनाने के बाद यहाँ पे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का आपको फंडा समझा रहा हूँ, ठीक है। और रही बात सर ऑनलाइन अर्निंग के तरीके, मुझे बताइए, तो आप यूट्यूब पर देखिए, ऑनलाइन ब्लॉगर बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए, स्टार्टिंग में ब्लॉगर ही यूज कीजिए। और रही बात तो छोटे छोटे जो आप लोग ऑनलाइन करते हो वो चीज़ बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी करते हैं। आप लोग देखोगे तो लिख देंगे माई फ़ोन माई, वो क्या होता है वो पता है, अफिलिएट प्रोग्राम होता है। अगर आपके उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहता है, वहाँ से अगर आप बाई करते हो तो अमेज़ॉन या किसी पे जहाँ से वो खरीदते रहेंगे उसका वो ओपन हो जाए, तो वहाँ से अगर आप खरीदते हो तो उनको कमीशन जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए आपको हाईलाइट होना पड़ेगा। क्या वो फुली डिपेंड हो जाते हैं कि नीचे से अगर हमारे जो कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिंक दिया उस पर लोग शॉपिंग करेंगे तभी हमारा घर द्वार चलेगा? डिस कर देते हैं भाई, कोई करता है तो उनको अलग से एक्स्ट्रा कमीशन पड़ जाता है। तो वैसे ही आप ऑनलाइन को हमें करना चाहिए, फुली डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर आप फुली डिपेंड हो जाओगे तो वो ज़रूरत नहीं पूरी हो पाती आपकी, तब आप लगते हो बोलने कि ये बेकार है, ठीक है। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ गए होगे। तो ऐसे करके चलिए कि आप ऑफलाइन भी कीजिए ऑनलाइन भी कीजिए। ऑनलाइन में फर्स्टली आपको थोड़ी सी अपना नाम अपने को हीट करना पड़ेगा, तभी आप जो है कोई छोटे छोटे चीज़ें जो है लोगों आप एड देंगे तो लोग आपकी उससे मतलब उसको आप करेंगे और उससे आपको अर्निंग होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप अपने मन से सिलेक्ट कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, ऑफलाइन या ऑनलाइन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो आप किसी बड़े यूट्यूबर्स को फॉलो कर लीजिए, देख लीजिए वो क्या करता है, उसके बायोग्राफी पढ़िए, उसकी हर एक चीज़ देखिए, यूट्यूब पर हर एक चीज़ मिल जाएगी वो कैसे सक्सेस हुआ, ठीक है। तो और एक और चीज़, हर सबकी सिचुएशन अलग होती है। अगर कोई बंदा, कोई यूट्यूबर्स अगर ना पढ़ाई छोड़कर यूट्यूब में लग गया, सक्सेस हो गया, तो आप भी वही मत कर दीजिए। सबकी सिचुएशन, सबकी परिस्थिति अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि आपको भी वैसा ही सक्सेस मिले, हो सकता है कि सक्सेस ना मिलकर कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपको पछताना पड़े, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सब सिचुएशन अलग अलग होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो आप ऑफलाइन भी कुछ कीजिए, साथ में आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। जब आपको लगे कि हाँ ऑनलाइन में मेरा प्रोसेस फिक्स हो गया, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, मेरे को यहाँ से ज़्यादा अर्निंग होने लगा, तब आप इसमें पूरा फुल्ली डिपेंड हो सकते हो, उससे पहले नहीं तो आपको बहुत पछताना पड़ सकता है आगे जा करके, ओके। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ गए होगे, और ये वीडियो यहीं पे एंड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं TCC के ऊपर कवर करूँगा, फुल अपडेट दूंगा TCC का क्या फ्यूचर होने वाला, क्या होगा। उसके बाद मेरी ये ऑनलाइन की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप लोग समझ लीजिए मेरा लास्ट वीडियो रहेगा ऑनलाइन से रिलेटेड, ओके फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में TCC के, बाय। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, और अपना जो है कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कहाँ पे मैंने मिस्टेक बताया, ताकि मैं उसको नेक्स्ट सुधार कर सकूँ। बाय। अगर आपको कोई क्वेश्चन भी पूछना हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, वहाँ पर भी मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर मुझे क्वेश्चन करते हैं, उनको मैं रिप्लाई कर सकते हो, ओके फ्रेंड्स। फाइनली बाय।